ये हेलो फ्रेंड्स तो आज हम स्टार्ट करेंगे द न्यूमेरिकल्स ऑन दी कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड द बर्नोल इक्वेशन ओके सो सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है हम लोग जानेंगे जल्दी नाउ फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन ओके न्यूटी इक्वेशन अगर फ्लो हो रहा है आपका एक वेरिंग सेक्शन और स्ट्रेट सेक्शन कुछ भी सेक्शन हो से एग्जाम्पल सेक्शन ये वन वन है एंट्री पॉइंट ये सेक्शन टू टू है एग्जिट पॉइंट सिमिलरली यहाँ पे भी सेक्शन वन वन सेक्शन टू टू अगर यहाँ से आपका फ्लोरेट हो रहा है से क्यू वन यहाँ से निकल रहा है क्यू टू तो इन दैट केस जो मास्ट रोड होता है क्यू वन इज इक्वल टू क्या होता है Q2 मतलब जो रेट होगा वो क्या होगा आपका सिमिलर होगा राइट right? क्या होगा आपका Similar. Now, flow rate क्या होता होता है वो इसका रेट का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड ओके वॉल्यूमेट्रिक रेट वॉल्यूम डिवाइड बाय सेकेंड क्या होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय सेकेंड तो देखिए एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड क्या हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड ओके क्लियर ये ये होता है मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन नाउ लेट्स सी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अ पाइप वेरीज इन अ डायमीटर फ्रॉम ट्वेंटी सेंटीमीटर टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके इनलेट कितना होगा मेरा ट्वेंटी सेंटीमीटर आउटलेट कितना होगा मेरा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओवर लेंथ ओके

डायमीटर सेक्शन टू डी टू कितना होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे इंटू टेन एस टू माइनस टू तो कितना होगा वो पॉइंट टू फाइव मीटर सेम ए टू इक्वल टू फाइव बाई फोर डी टू का स्क्वायर तो ये रहा है डी टू ये वैल्यू आएगा आपका इन मीटर स्क्वायर आपको क्या दिया है वेलोसिटी दिया है एट वन पे दैट इज वी वन फोर पॉइंट सिक्स एट मीटर पर सेकेंड एस डी देट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया कितना पॉइंट नाइन आपको क्या बोला टू फाइंड वेलोसिटी एट द लार्जेस्ट सेक्शन दैट इज पॉइंट टू मुझे यहाँ पे बोला हुआ है देखिए, एस पर कंटीनिटी ए वन वी वन इकवल टू क्या होता है V2. A1, V1 A2, V2. Okay? हमने देखा अभी जस्ट इसके पहले तो आपको आप 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 क्या मिलेगा अनोन यहाँ पे आपको यहां से वी टू मिल जाएगा ओके सो क्लियर यहाँ पे और जो ये आपको बोला गया था क्या बोला है फाइंड अ मार्स लो रेट ऑफ ऑयल फॉर ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉइंट नाइन ये आपको न्यूमेरिकल इसका नहीं है आपको यहां तक ये ये डिग्री में सम आता है ये डिप्लोमा को वाले को सम नहीं आता है ओके सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सम समाट्रो पाइप एट सेक्शन वन And section 2 are 20 cm 25 cm respectively. Find the discharge through pipe if the velocity of water flowing through a pipe is 7 meter per second. Also find the velocity at section 2 Same क्या होगा velocity पूछा find करने के लिए दो section दिए हुए हैं. तो ये किसका numerical है? Continuity equation का numerical है. Now diameter at section one, d1 दिया है 20 centimeter. कण्ड करो के उसको into 10 2, minus two minus two करके तो कितना आएगा? 0.2 meter वन लिखा डी वन का स्क्वायर दिया सिमिलर डायमी फाइव सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे इसको मीटर्स में. माइनस टू का स्क्वायर. सेन दिया डेट इज वी वन सेवन मीटर पर बोले सेकेंड टू फाइंड बोला आपको क्यू फ्लो सेकेंड बोला है क्यूक टू एज वी वन क्या होता है Now, तो ये को क्या हो जाएगा कि आपने को पता A1 पता है वी वन पता है क्यू मिल गया Second क्या बोला वेलोसिटी एट सेक्शन से वन वी वन इक्वल टू क्या होता है ए टू वी वन पता है ए टू पता, पता है क्या मिलेगा वी टू तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया वी टू का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड इन दस आई यूनिट नाउ मूव टू द दर्नोलिस इक्वेशन नाउ फॉर दर्नॉलिस आपको जैसे कि यहाँ पे दो सेक्शन दिया है वैसे ही आपको दो सेक्शन दिया रहेगा उ कंसेप्ट ऑफ बर्नॉलिस बर्नॉलिस इक्वेशन देखिए फ्लो फ्लोर सेक्शन सेक्शन वन है सेक्शन वन ये मेरा सेक्शन टू है नाउ मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे एनर्जी एट पॉइंट ए एट इज एग्जाम्पल अगर ए बोला तो एनर्जी एट पॉइंट वन इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट क्या होता है सिमिलर होता है यहाँ पे कौन कौन से एनर्जी होते हैं पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पी अपॉन रो जी प्लस वेलोसिटी हेड पी टू जी प्लस है सेट जेड टू तो ये जेड वन यहाँ पे वन यहाँ पे वन इज टू एनर्जी एट पॉइंट टू दैट इज पी टू डिड बाय रो जी प्लस वी टू का स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू

फोर्टी टू लीटर पर सेकेंड कितना दिया है फोर्टी टू लीटर पर सेकेंड फोर्टी टू को क्या करोगे कन्वर्ट करोगे इंटू मीटर क्यूब पर सेकेंड में वन लीटर इज इक्वल टू टू माइनस थ्री मीटर क्यूब पर सेकेंड ओके कितना होता है? 42 का कन्वर्ट करोगे टू माइनस मीटर क्यूब पर सेकेंड ओके तो फोर्टी टू को मल्टीप्लाई करोगे इंटू टेन टू माइनस थ्री यू गेट इन अ मीटर क्यूब सेक्शन वन इज सिक्स पॉइंट फाइव मीटर अबो द डाटम जेडो कितना दिया है सिक्स पॉइंट फाइव सेक्शन टू इज फोर मीटर द डाइटम तो जेट टू कितना होगा फोर इफ द प्रेशर एट सेक्शन वन इज फोर पॉइंट नाइन जीरो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ओके अगेन ये किस में दिया सेंटीमीटर में दिया आई वॉन्ट इन टू द एस आई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे चाहिए फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन टू ओके तो ये किसका है दिख रहा है आपको गिवन सम समिस का दिख रहा है तो बर्नौलिस इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा नाउ एट सेक्शन वन कितना है फोर्टी टू लीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करूंगा इसको मैं डी वन टी टू कन्वर्ट करूंगा मीटर में मल्टीप्लाइन टू तो या फिर हंड्रेड तो यह आएगा ए वन इक्वल टू फाइव बाई फोर डी का स्क्वायर जेड वन दिया है फोर पॉइंट नाइन जीरो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो वन सेंटीमीटर कितना होता है आपका वन सेंटीमीटर इक्वल टू तो टेन एस टू तो माइनस तो टू मीटर तो वन सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू तो टेन एस टू तो माइनस फोर मीटर का स्क्वायर डिवाइडेशन हो जाएगा ये डिनोमीटर में रहेगा ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा टू तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर एट सेक्शन टू डी टू दी तू दिया है ट्वेल्व सेंटीमीटर कितना होगा पॉइंट बाई हंड्रेड या फिर मल्टीप्लाई विद तो ए टू मिलेगा पाई बाई फोर डी का स्क्वायर जेड टू दिया है सो फाइंड पी टू के लिए मुझे पता है क्या बर्नोल इक्वेशन क्या होता है पी वन अपॉन रोजी प्लस वी वन का स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू का स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू चलेगा मेरे पास तो पी वन है मेरे पास रो और जी दिया है क्या सम का वाटर फ्लो है तो कितना होगा ये रोजी नाइन एट वन जीरो कितना होगा वो थाउजेंड रो कितना होता है थाउजेंड जी कितना होता है नाइन पॉइंट एट वन तो नाइन एट वन जीरो होता है ये वी वन दिया है ओके जी पता है जेड पता है पी टू फाइंड करना है रोजी पता है वी टू पता है क्या नहीं पता है फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या होता है Q इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी तो V1 क्या होगा Q1 वन अपॉन ए वन ओके अच्छा मुझे V1 भी नहीं दिया है तो क्यू वन इक्वल टू क्यू अपॉन ए वन इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगा Q1 Q मुझे पता है इन मीटर क्यूब पर सेकंड में एरिया मीटर स्क्वायर में तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में सिमिलरली V2 is equal to Q upon A2. क्या होगा वैल्यू ऑफ इन मीटर पर सेकेंड में जैसे आपका ये मिल गया V2 टू यहाँ पे आप आओ P1 वन पता है आपका रोजी पता है वी वन पता है जेडवन पता है सब पुट करो अनोन क्या आपका ओनली पी टू तो यहां से आपको क्या मिलेगा पी टू मिलेगा इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ओके okay? हो आपको न्यूमेरिकल समझा होगा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था नौ मूव टू न्यूमेरिकल अब ये देखिए यहां पे, ये टैपिंग, सॉरी हॉरिजॉन्टल टैपरिंग पाइप ओके टैपरिंग पाइप गलती से वर्टिकल निकल गए ये हॉरिजॉन्टल होगा ये डायरेक्शन जैसा ये पाइप था ना मेरा इस तरह का इस तरह का पाइप बनेगा ये ओके सो फाइंड करना है

जहां पे एनर्जी ज्यादा होगा वहां से फ्लो क्या होगा ज्यादा होगा मतलब मुझे फाइंड करना है एनर्जी एट एट पॉइंट पॉइंट एंड एनर्जी टू जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वहां से क्या होगा वाटर फ्लो होगा ओके क्लियर नाउ देखिए तो मुझे क्या फाइंड करना है एनर्जी एट सेक्शन वन पी वन रो रोजी प्लस वी वन अपॉन टू जी प्लस जेड वन भी आता है बट हॉर्जोट ले करके जेड वन जीरो तो पी वन मुझे पता है कन्वर्ट करो इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किलो न्यूटन दिया है मल्टीप्लाई विद द 10 रे टू तो 3 तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमीटर दिया है कन्वर्ट करो उसको मीटर में फाइंड द एरिया ओके नाउ वेलोसिटी दिया है क्या आपको यहाँ पे वेलोसिटी दिया है कि यहाँ पे हम्म आपको यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिया है तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो, तो देखिए v1 क्या होगा q1 अपॉन a1 v2 q2 अपॉन a2 फ्रॉम द Equation. आपने पिछला सम देखा हमने कैसे फाइंड किया ए वन मिलेगा मुझे मीटर स्क्वायर में क्यू मुझे दिया हुआ है मीटर क्यू पर सेकेंड में डिवाइड करो यू विल गेट द आंसर ऑफ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड वी टू बी सेम मीटर पर सेकेंड ई वन पता है पी वन अपॉन रो जी पी वन कितना दिया है मुझे एट्टी दिया है एट्टी इंटू टी थ्री रो ऑफ वाटर थाउजेंड जी नाइन पॉइंट एट वन वेलोसिटी मिला मुझे यहाँ पे थर्टीन पॉइंट एट थ्री मीटर स्क्वायर टू इंटू जी टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन

क्या समझ रहे हैं यहाँ पे ई वन इज ग्रेटर देन ई टू हेज वॉटर फ्लो फ्रॉम द सेक्शन वन सेक्शन टू की ओर वाटर मेरा क्या होगा फ्लो होगा ओके होप यू अंडरस्टैंड दिस सम ओके इस टाइप के सम ही आते हैं मुझे डिप्लोमा लेवल में इन द एफ एम के क्वेश्चन में फॉर द इक्वेशन ऑफ द बर्नॉलिस एंड फॉर द इक्वेशन ऑफ द ओके सॉरी इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड द बर्नोलिस इक्वेशन ये दो टाइप के आपको सम आते हैं इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो